अब इसको प्रोडक्शन में, पहले तो मैं कोड जो भी इसमें लिखा हुआ उसको मैं पुश कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको गूगल क्लाउड पे एक्चुअली हम डिप्लॉय करके इसको चला रहे होते हैं, ठीक है। गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करने के लिए मैंने इसके ऊपर ये लगाया हुआ है जी क्लाउड इग्नोर, और ये ऐप डॉट यमल वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने इसको लगाई हुई है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैंने क्या करना है, एक्चुअली मैंने सबसे पहले काम ये करना है कि मेरे एक्सप्रेस के सर्वर पे ना मेरी ये ऐप होस्ट हुई हुई है पहले से, ठीक है। ये होस्ट हुई हुई है एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक करके ना, इसको मैंने होस्ट किया हुआ है, ऐसा ही है ना। तो इस अब मैं अगर बिल्ड का फोल्डर बनाता हूँ तो मेरे सर्वर वाले यूआरएल पर डायरेक्ट ही ओपन होगा, ऐसा ही है ना। मैं इसको बिल्ड का अगर बिल्ड बनाता हूँ इसकी, तो सर्वर वाले यूआरएल पर डायरेक्ट इसका फ्रंट एंड ओपन होगा और सर्वर वाले ही यूआरएल पे ये चल रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको रोकता हूँ और रोक के npm रन बिल्ड इसका चला देता हूँ मैं, ठीक है। npm रन बिल्ड चलाते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर अपेयर हो जाएगा जो पहले से मौजूद नहीं था यहाँ पे, ठीक है। वेब के अंदर मेरे पास एक बिल्ड के नाम से एक फोल्डर बनकर आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये बिल्ड का जो फोल्डर है मेरे पास, इसको मैंने क्या कर देना है, एक्सप्रेस पे, वो एक्सप्रेस के ऊपर होस्ट कर देना है इसको मैंने। अच्छा, ये जी मेरा बिल्ड का फोल्डर क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। अच्छा, मेरे अब मुझे फ्रंट एंड यहाँ पे इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, किल कर देता हूँ। मेरे पास सिर्फ सर्वर चल रहा है 5001 पे। अब मेरा जो यूआरएल है 5001 पे ही वो ओपन होगा और 5001 पे ही वो आगे जा रहा होगा जो भी काम होगा उसका, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं जी। अब हम अच्छा, मेरे पास एक स्लैश स्टेटिक लगा हुआ है और ये स्लैश पब्लिक लगा हुआ है, ये क्या सीन है। पब्लिक नहीं है मेरा, तो बिल्ड है ना, वेब स्लैश बिल्ड है मेरे पास, ये वाला एक्चुअली मेरा आइटम है जो मैंने क्या करना है, होस्ट करना है। अच्छा, अब क्या ये ओपन हो जाएगा अगर मैं 5001 लगाऊं तो, क्यों नहीं ओपन होगा। यहाँ तक मेरी रिक्वेस्ट पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, वो इसलिए नहीं पहुँचेगी क्योंकि जैसे ही मैं लोकल होस्ट 5001 लिखूंगा, क्योंकि जो मेरा लोकल होस्ट 5001 पे चल रहा है वही गूगल क्लाउड पे चलेगा, तो पहले मेरे पास तो चले प्रोडक्शन में पहले, उसके बाद उधर भी चला देंगे हम। वो इसलिए नहीं पहुँचेगा कि जब मैं 5001 लिखूंगा तो वो यूआरएल लिखा है मैंने जस्ट अभी अभी, तो ऑथेंटिकेटेड थोड़ी होगा, वो टोकन थोड़ी होगा पहले से उसके पास, तो टोकन नहीं होगा तो वो ये वाले पार्ट को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये वाले पार्ट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो ये वाले पार्ट को क्रॉस नहीं कर पाएगा इसलिए वो यहाँ पे आके फंसेगा और बोलेगा 401, आगे करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैं इस तरह नहीं चलाऊंगा, अब मैं चलाऊंगा लोकल होस्ट 5001, प्रोडक्शन में चला रहा हूँ ये मैं, अब मैं डेवलपमेंट में नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। बोला इसने इनवैलिड टोकन और बात खत्म कर दी यहाँ पर, लेकिन मैंने एक्चुअली क्या करना है, मुझे तो पेज रन करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे पार्ट को मैं यहाँ से कट करूँगा और कट करके मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअल में ऊपर करूँगा नहीं मैं, लेकिन अभी जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी वापस इसको मैं नीचे लाऊंगा और एक दूसरा इसका मेथड है उसके ज़रिए मैं इसको अचीव करूंगा, ठीक है। मैंने कहा ऐप डॉट यूज़ और एक्सप्रेस स्टेटिक और पाथ डॉट ज्वाइन और ये DIR नेम वेब स्लैश बिल्ड, मैंने कहा भाई ये है, इसके अंदर आप चले जाओ और इसके अंदर जाके आप क्या कर लो, लेकर आ जाओ। तो ये मेरा क्या हो गया, पेज चलना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि हम इसको क्या करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस ये कि हम इसको लास्ट में रखते हैं, हम इसको शुरू में नहीं रखते, ठीक है। लास्ट में रखने का रीज़न ये है कि जब कोई भी रिक्वेस्ट हिट ना हो, कोई भी चीज़ मैच ना हो, तब ये यहाँ पर यहाँ से नीचे जाए, अदरवाइज़ ये नीचे ना जाए, अदरवाइज़ शुरू में ही API सारी हिट हो जाए, ठीक है। तो इसको नीचे रखने की बेस्ट प्रैक्टिस भी फॉलो करनी है, फिर बीच में मेरे पास ये मिडलवेयर भी आ रहा है, अब इसका क्या हल निकाला जाए। पहली चीज़ तो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक मेरे पास होगा रिक्वेस्ट ऐप डॉट गेट की रिक्वेस्ट, सबसे पहला तो ये, क्योंकि मैंने वो यूज़ करके जो किया हुआ ना, इस तरह से नहीं होगा ये, इसके लिए दो बनती है अलग अलग। नंबर एक तो बनता है कि स्लैश गेट की रिक्वेस्ट, गेट की रिक्वेस्ट पे मैं क्या करता हूँ, मैं स्लैश की, अगर गेट की रिक्वेस्ट आती है मेरे पास तो मैं क्या करता हूँ, ये बिल्ड के ऊपर इसको भेजता हूँ उठा के पूरे को, सही है, बिल्ड के ऊपर भेजता हूँ उठा के। इससे क्या होता है कि ये जो स्लैश की रिक्वेस्ट है ये हार्ड कोडेड ये इसके ऊपर लेकर आ रहा होता है इसको, तो इसको तो मैं रखता हूँ टॉप पे, लेकिन जो मेरा स्टेटिक वाला फोल्डर है जिसमें कोई फाइल भी उठा सकता है, कुछ भी उठा सकता है, वो मैंने लास्ट में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये अप्रोच हम चला रहे होते हैं एक्चुअली, तो ये हम इसको दो ही बनाते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो हो सकता है अभी आप रियलाइज़ ना कर पाएं, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ये जो स्लैश है ना गेट, सम टाइम हम क्या करते हैं कि बिल्ड के अंदर स्लैश इसको इंडेक्स डॉट HTML तक छोड़ के आते हैं कि भाई स्लैश की रिक्वेस्ट पर ना ये इंडेक्स डॉट HTML आपने ला के देना है पूरा, ठीक है। तो लिहाजा होता क्या है, मैं रिफ्रेश मारता हूँ ना जब,
यहाँ से उसको मैं रिफ्रेश मारता हूँ जब स्लैश की रिक्वेस्ट नहीं पता लग रही इसको, ये क्या बकवास है यार। नेटवर्क में देख लेते हैं स्लैश की रिक्वेस्ट कोई क्या समझ रहा है। गेट की रिक्वेस्ट है और स्लैश की है ना, सही तो है। अच्छा ये इंडेक्स डॉट html तक असल में नहीं ले जाते हैं क्योंकि पाथ डॉट ज्वाइन है तो इसमें फाइल का नाम शायद इसको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है तो आप देखें ये लोकल होस्ट के स्लैश के ऊपर ना मैंने रिस्पॉन्स के अंदर ये देखो html की फाइल पूरी मंगवाई है, लेकिन html की फाइल मंगवाने से ये बाकी चीज़ें नहीं आती, बाकी चीज़ें फेल हो जाती हैं। बाकी चीज़ें क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं क्योंकि बाकी चीज़ों में एक तो स्लैश की रिक्वेस्ट नहीं है, वो रिक्वेस्ट है कुछ और, बाकी रिक्वेस्टें जो है वो स्लैश की नहीं है, वो कोई और रिक्वेस्ट है। ठीक है तो मुझे एक अलग से इसके लिए स्टेटिक भी बनाना होगा एक। ठीक है सॉरी ये ऐप डॉट यूज़ और इसके अंदर मैं स्लैश नहीं लगाऊंगा, या स्लैश लगा के भी रखूँ तो कोई मसला नहीं है। ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक और मैं बोलूँगा भाई बिल्ड का फोल्डर जो है उसके ऊपर लेकर जाओ, तो पहले वाली रिक्वेस्ट गेट पे हिट होगी, दूसरी वाली यहाँ पे हिट होगी, यानी सब सीक्वेंट जितनी भी है वो नीचे वाले पे हिट हो रही होगी। ठीक है तो अब मेरे पास जो ये बाकी की फाइलें ये भी मिलना शुरू हो जाएंगी अगेन। ठीक है बाकी की भी फाइलें मिलना शुरू हो गई, जस्ट मुझे प्रोफाइल के ऊपर 401 मिला है क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ। ठीक है बिल्कुल सही है। ठीक है तो इस तरह से ये यूजुअली हम दो बना रहे होते हैं। अच्छा ये दो तो मैंने चलो बना लिया मेरे HTML की फाइलों के लिए, एक तीसरा फोल्डर भी होता है मेरे पास जिसको मैं एक्चुअली क्या कहता हूँ, स्टेटिक का फोल्डर कहता हूँ। ठीक है बिल्ड में जाओ ना तो एक स्टेटिक का फोल्डर होता है मेरे पास, तो इसमें भी मैं बोल रहा होता हूँ कि मे बी मैं उसको पूरा स्टेटिक तक छोड़ कर आऊँ। मैं बोलूँगा यार स्टेटिक की जो रिक्वेस्ट आया ना उसको वेब स्लैश बिल्ड स्लैश स्टेटिक तक छोड़ कर आऊँगा, है ना, ये मैंने स्टेटिक लगा दिया स्लैश। अच्छा अब भी आऊँगा तो अभी मुझे ये सारे पेजेस मिल जाने चाहिए, अब क्या मसला है भाई। अच्छा स्लैश लॉगिन पे हिट हो रही है रिक्वेस्ट। अच्छा अब देखो यहाँ पे भी एक मसला है अभी, अब देखो स्लैश लॉगिन के ऊपर जब रिक्वेस्ट हिट होती है ना तो ये कुछ नहीं लाता, अब ये भी एक प्रॉब्लम है। इसको भी मैंने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को भी मैंने रिजॉल्व करना है। ठीक है तो मैं वापस इसको स्लैश पे ही करता हूँ, स्लैश पे ये ठीक चल रहा था। अब ये सारे मसले मैंने निपटाने हैं, देखो अब स्लैश लॉगिन के ऊपर है, मैं रिफ्रेश करता हूँ कुछ भी नहीं होता। अब इसको मैंने हल करना है, इसको हल कैसे करते हैं, वो सिंगल पेज वाली अप्रोच से कि भाई यूआरएल में कुछ भी हो, यूआरएल में कुछ भी हो तो मैं क्या करता हूँ उसको मैं इंडेक्स डॉट html ला के दे देता हूँ। अगर यूआरएल में कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल लास्ट तक पहुँच गई, क्योंकि लास्ट में रखने का मेन रीज़न मेरा यही था शुरू में भी कि अगर लास्ट में कोई भी चीज़ उसको ना मिले ना तो वो यहाँ तक लेकर आ जाए। लेकिन मसला सारा ये है कि इसके बीच में मेरा ये टोकन आ जाता है, लास्ट तक ले जाने के अंदर मसला सब में बड़ा ही कि टोकन आ जाता है। ठीक है अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये स्लैश लॉगिन हटा के उसको हिट मारता हूँ तो ये पेज सही खुल जाता है। ठीक है स्लैश लॉगिन हटा के मैं इसको हिट मारता हूँ तो ये पेज बिल्कुल सही खुल जाता है, लेकिन वंस लॉगिन पे आ गया अब मैं रिफ्रेश मारता हूँ ये खुलता ही नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी जो होस्टिंग हुई है वो सिंगल पेज वाली सपोर्टेड नहीं है, जो मेरी एक्सप्रेस के ऊपर मैंने फ्रंट एंड को अपने होस्ट किया हुआ है वो सिंगल पेज को सपोर्ट नहीं करती है। अच्छा अब इसका सिंगल पेज को सपोर्ट देने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंगल पेज को सपोर्ट देने के लिए जो स्लैश है ना इसको हटा देता हूँ मैं कि जी यूज़ ऐप डॉट यूज़ जो भी आए उसको यहाँ लेके चले जाओ। ठीक है अब मैं स्लैश लॉगिन, सॉरी मैं ये नहीं करता, मैं स्टेरिक वाली अप्रोच करता हूँ, मैं एक्चुअली स्टेरिक लगाता हूँ और स्टेरिक के ऊपर ना मैं इंडेक्स डॉट html की पूरी फाइल उठा के भेजता हूँ उसको, जिससे पहली फाइल मिल जाए तो बाकी की रिक्वेस्टें वो खुद ही मार लेगा, मैं ये कर रहा था एक्चुअली। मगर इसके बीच में मेरे पास आ रहा है ये बीच में मिडलवेयर। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना इसको नोट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात सबसे पहली ये है कि मेरी जो API है वो स्लैश API करके ही है, मेरी जितनी भी API है मैंने शुरू में ही इस हिसाब से बनाया कि स्लैश API करके होगा। तो अगर मैं इस टोकन को ऐसे कर दूँ स्लैश API स्लैश V1, ठीक है, और मैं बोलूँ इस पर आप सिर्फ इसको चेक मारो, किसी और पे चेक नहीं मारो आप, अगर URL के अंदर मेरे स्लैश API स्लैश V1 है तो उसको ही चेक मारो आप, क्योंकि मेरी API तो सारी इसी नाम से। अगर रिक्वेस्ट में स्लैश API है ही नहीं तो वो ना इस पे हिट होगी ना इस पे हिट होगी ना इस पे हिट होगी, लिहाजा वो किधर पहुंचेगी, सीधा नीचे पहुंचेगी वो, सही है। इसका मतलब है अब मेरे पास जो ये जो स्लैश की रिक्वेस्टें हैं सारी वो अब बासानी नीचे आ सकती हैं, स्लैश की रिक्वेस्टें क्या हो सकती हैं, बासानी नीचे आ सकती हैं मेरे पास। ये समझ आ रहा है सब लोगों को ना कैसे हो रहा है ये, भाई कहीं पे भी समझ ना आए तो रोक लेना मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ
अच्छा तो यार देखो, मैंने ऐप डॉट गेट लगाया हुआ है यहाँ पे और स्लैश की रिक्वेस्ट है। ऐप डॉट गेट लगाया हुआ है मैंने और स्लैश की रिक्वेस्ट है। इसका मतलब क्या होगा कि जब मेरे पास पहली रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कैस कौन सी रिक्वेस्ट होगी, वो ये रिक्वेस्ट होगी। तो इसको मैंने अकोमोडेट कर लिया, इसको मैंने अकोमोडेट किया हुआ है, ऑलरेडी सेट चल रहा है सब, ठीक है। अच्छा जब देखो, अब इसको ना गौर से समझोगे तो ये बात समझ आएगी, जब ये वाली रिक्वेस्ट आती है ना मेरे पास, ये वाली रिक्वेस्ट, तो इससे जाता है सिर्फ HTML का पेज। एंटर मारता हूँ मैं यहाँ पे, देखो नेटवर्क को मैं क्लियर मारता हूँ, नेटवर्क को मैंने क्लियर मारा, ये पहली रिक्वेस्ट समझा रहा हूँ, सबसे पहली रिक्वेस्ट जो लगेगी ये स्लैश की रिक्वेस्ट लगी। और इधर नेटवर्क में नोट करना होता क्या है, मैंने हिट मारा, यार ये आई है सबसे पहली रिक्वेस्ट, ये सबसे पहली रिक्वेस्ट का ये जवाब आया है। देखो ये URL था और इसका जो जवाब आया है वो ये आया है, ये आया है रिस्पॉन्स में, यानी पूरा का पूरा HTML का पेज आया है। अच्छा अब इस HTML के पेज के अंदर ना आप नोट करते जाओ इसमें है क्या। सबसे पहले इसके अंदर ये लिंक लगा हुआ है और इसके अंदर href है, फेव आइकन, स्लैश फेव आइकन का मतलब क्या है कि इस वक्त जो भी URL में मौजूद है उसी के आगे स्लैश लगाओ और फेव आइकन करके कोई चीज़ गेट करो, रिक्वेस्ट मारो, ठीक है। लिहाजा क्या होता है, ये रिक्वेस्ट लग जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये रिक्वेस्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, बहरहाल इसको रिक्वेस्ट को लगना चाहिए था। अच्छा अगला लिंक कौन सा है इसका, मैनिफेस्ट डॉट जेसन लोगो 192.png, ये सारे लिंक्स हैं। तो एक रिक्वेस्ट ये वाली लग जाएगी अब, ठीक है, एक रिक्वेस्ट ये वाली लग जाएगी मैनिफेस्ट डॉट जेसन। देखो यहाँ पे आ रहा होगा मैनिफेस्ट डॉट जेसन, ये देखो मैनिफेस्ट डॉट जेसन की रिक्वेस्ट लगी हुई है। मैनिफेस्ट डॉट जेसन में अगर मैं जाता हूँ ना, तो देखो ये कौन सी रिक्वेस्ट है, स्लैश मैनिफेस्ट डॉट जेसन। ये सारी कैसे लगी है, जब मेरे पास पहला HTML का पेज आता है ना ये वाला, तो इसके अंदर जितने भी लिंक, जितने भी स्क्रिप्ट, जितने भी URL, जितनी भी इमेजेस लगी हुई होती हैं, वो तमाम का जो SRC होता है उस पर ये एक एक रिक्वेस्ट मारता है और उसको पूरे को मंगवाता है, ठीक है। तो लिहाजा मेरा जो होस्टिंग जो है वो जब ही प्रॉपर होगी कि जब ये सारी रिक्वेस्टों को मैं पूरा कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी रिक्वेस्टों को मैं क्या कर पा रहा हूँ, पूरा कर पा रहा हूँ, तो जब भी मेरी होस्टिंग क्या होगी, परफेक्ट होगी, अदरवाइज होस्टिंग मेरी सही नहीं होगी। अच्छा ये हो गया जी। तो अभी जो मेरे पास सिचुएशन है, जो ये पहला वाला मैंने पार्ट लिखा हुआ है ऐप डॉट गेट स्लैश, पहली रिक्वेस्ट तो गेट की ही आएगी, ये मुझे 100% श्योरिटी है मुझे ये, और वो स्लैश की रिक्वेस्ट होगी। तो उस पर मैंने क्या करवा दिया, मैंने कहा भाई वेब स्लैश बिल्ड के अंदर आप जाओ और बिल्ड के अंदर आप जाके क्या करो, बिल्ड के अंदर ऑटोमेटिकली इंडेक्स के नाम की फाइल खुद ही चली जाती है, उसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंडेक्स के नाम की फाइल खुद चली जाती है। अच्छा अब उसके बाद जो रिक्वेस्ट आएगी ना वो क्या होगी, मेरा बेस URL स्लैश मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो अगला वाला है ना ये हिट होगा, अब की बार ये हिट नहीं होगा, ठीक है, एक्चुअली यही हिट हो रहा होगा अब की बार भी, क्योंकि गेट की ही रिक्वेस्ट है अब की बार भी, तो इसमें हिट हो जाएगी, ये इसमें भी हिट क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो स्लैश को मैच करेगा, ये स्लैश मैच नहीं होगा तो इसके अंदर दाखिल नहीं होगा ये एक्चुअली, ठीक है। जब सिर्फ स्लैश की रिक्वेस्ट इसके अंदर दाखिल होगी, बाकी अगर स्लैश मैनिफेस्ट है ना तो वो गेट वाले में क्या करता है, वो एग्जैक्ट मैच करता है, अगर नहीं होता तो फिर उसको अंदर नहीं दाखिल होता, तो वो एक्चुअली नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। यूज़ क्या करता है, पार्शल मैच भी हो जाए तो उसको हिट कर देगा, तो पार्शल मैच हो गया स्लैश और स्लैश के आगे मैनिफेस्ट डॉट जेसन है, तो इसके अंदर एंटर हो जाएगा। लिहाजा ये मैनिफेस्ट जावास्क्रिप्ट और ये इस तरह की सारी फाइलें यहाँ से मुझे प्रोवाइड कर देगा ये। तो मेरी अभी की जो अभी तक की होस्टिंग है ना वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि वो किस तरह से काम कर रही है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या होता है, अब नेक्स्ट ये होता है कि भाई स्लैश लॉगिन की जब रिक्वेस्ट आती है, स्लैश लॉगिन की जब रिक्वेस्ट आती है तो वो तो मेरे पास किसी में भी हिट नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे तो हिट हो ही नहीं रही क्योंकि ये तो एग्जैक्ट मैच मारता है, यहाँ पे जब हिट होती है ना तो स्लैश के बाद यहाँ पे लॉगिन होता है जब, तो वो क्या करता है, वो एक्चुअली इस बिल्ड के अंदर ना लॉगिन के नाम से एक फाइल तलाश करने की कोशिश करता है जो कि है नहीं, तो वो क्या करता है इसको भी पास कर जाता है और इससे आगे बढ़ जाता है। लिहाजा क्या होता है, यहाँ पे ये बोलता है कि भाई ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा, कैन नॉट गेट बोलता है, इसको सरपास कर जाता है इस वाले लाइन को, ये नहीं, क्योंकि पाथ में लॉगिन है ना, तो ये स्टेटिक जो इसी तरह काम करता है कि पाथ में जो भी होगा ना उस नाम से फाइल ढूंढेगा। तो मुझे अब एक तीसरा यहाँ पे आइटम बनाना पड़ेगा जिसका मैं नाम रखूंगा क्या, ऐप डॉट गेट स्टेरिक, कि मेरा भाई अगर रिक्वेस्ट यहां तक पहुंच गई है इस जगह तक अगर, और किसी चीज से मैच नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो URL 404 है ना। 404 के केस में जो सिंगल पेज वाली अप्रोच होती है उसमें हम क्या करते हैं, घुमा के इंडेक्स पे लाके फेंकते हैं उसको, ये अप्रोच होती है हमारी। तो मैंने कहा स्टेरिक
और स्टैटिक के अंदर अब मैं ये स्टैटिक नहीं लगाऊंगा, मैं बाय हैंड इसको एक फाइल भेजूंगा यहाँ से, मैं बोलूंगा भाई ऐसे नहीं होगा, ये होगा इस तरह। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पूरा मैंने लगा दिया इसके अंदर जैसे लगता है, और इस जगह पर आकर मैं क्या बोलूंगा कि जी रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। ठीक है, और सेंड फाइल करके मैं क्या कर दूंगा, ये HTML की फाइल पूरी की पूरी यहाँ से मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, ये पाथ, अच्छा मैं सेंड फाइल के अंदर डायरेक्ट भी कह सकता था, ये इस तरह भी कह सकता था मैं डायरेक्ट कि स्लैश वेब स्लैश बिल्ड स्लैश इंडेक्स डॉट, बट ये पाथ डॉट ज्वाइन करने से क्या होता है, ज़रा हमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर श्योरिटी मिल जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं कर लेता हूँ। अब मैं स्लैश लॉगिन जब हिट मारता हूँ तो मेरे पास ये पेज सही खुल जाएगा। सॉरी, ये फर्स्ट वाली जो है, हाँ 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 कर सकते हैं, कर सकते हैं एक्चुअली। अच्छा, फर्स्ट वाले को मैं हटा भी दूँ तो चलेगा एक्चुअली, फर्स्ट वाले को मैं हटा भी दूँ क्योंकि फर्स्ट वाला काम ये यूज़ कर रहा है ना, फर्स्ट वाले का काम ये यूज़ कर रहा है, फर्स्ट वाले की मुझे एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं फॉर्मली एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए, वरना ये एक लाइन काफ़ी है। आगे देखते हैं इसको हम, मैं इस पर अब दोबारा से कर रहा हूँ, ये नॉर्मल हिट यानी कि स्लैश की रिक्वेस्ट बिल्कुल सही चलाइए। ठीक है, अब इसको लॉगिन के साथ हिट, इस पर भी बिल्कुल सही चलाइए। तो वो एक्चुअली जो गेट था ना, वो मैं फॉर्मेलिटी के लिए समझाने के लिए कर रहा था कि जी वो पहले इस पर आएगी और फिर दूसरे पर आएगी, और उसको हम रखते भी अलग अलग हैं, लेकिन अभी इस केस में अगर उसको मैं एक भी कर दूँ तो सही है। प्रॉब्लम मेरा ये था कि वो स्टैटिक वाला चक्कर था, और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि वो टोकन बीच में आता था, मैंने उसको साइड किया, टोकन बीच में जो आता था उसको मैंने साइड किया, रिक्वेस्ट को नीचे आने के लिए मैंने जगह हमवार की है। ठीक है, अभी मैंने बोला भाई स्लैश API स्लैश V1 पे ही होगा जो भी होगा। ठीक है, अच्छा अभी मेरी सिक्योर API अभी भी सिक्योर है, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई। देखो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना, तो मेरे पास क्योंकि जब पूरा फ्रंट एंड लॉगिन होता है तो ये प्रोफाइल हिट होता है, और प्रोफाइल के अंदर ही क्या बोलता है मुझे कि 401, तो इसका मतलब है कि मेरी जो सिक्योर APIs है वो अभी भी सिक्योर है। अच्छा, अब मैं लॉगिन करके चेक करता हूँ क्या लॉगिन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, 403 बोल दिया इसने, ये मेरे पासवर्ड सारे क्लियर कैसे हो गए यार, 1 2 3 4 5 यही था, 1 2 3 4 करके चेक करते हैं। हाँ ये चल गया भाई, ठीक है ये चल गया। ठीक है, अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो प्रोफाइल वाली ये सही कॉल हो रही है, प्रोफाइल इसमें प्रीव्यू में डेटा भी सही आ रहा है मेरे पास, सही है। उसके अलावा मेरे पास ये पोस्ट वाली API भी बिल्कुल सही कॉल हो रही है, इसमें प्रोजेक्शन नहीं लगाई ना मैंने, एम्बेडिंग भी साथ आ रही है इसमें, सही है इसमें एम्बेडिंग भी साथ आ रही है, इसमें मैंने प्रोजेक्शन लगा दी। वेल, मैं रिफ्रेश करता हूँ बिल्कुल ठीक है, और जैसे ही मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ स्लैश चैट में जाता हूँ, देखो स्लैश चैट है, तो ये वाला स्लैश चैट भी मेरे पास क्या होना चाहिए, जब मैं इसको ये वाला URL लिख के एंटर करूँ तो क्या होना चाहिए, जब मैं स्लैश 5001 स्लैश चैट में लिख के एंटर मारूँ जब, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो इसको इंडेक्स पे लेके चले जाना चाहिए मुझे, तो मैं एंटर करता हूँ, नहीं यार ये चैट पे ही रख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं स्लैश चैट को हिट करता हूँ तो वो स्टैटिक वाले से इंडेक्स ला के देता है मुझे, फिर ये स्लैश चैट हिट होता है, इसमें मुझे रिस्पॉन्स में इंडेक्स मिल जाता है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या सिंगल पेज में यही बिहेवियर होता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं सिंगल पेज में, हाँ नहीं सही है, यही बिहेवियर होता है कि अगर मैंने facebook.com सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, अगर मैं अपनी प्रोफाइल पर हूँ facebook.com/inzamammalik पर हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं वहीं रहता हूँ, मैं होम पे नहीं जाता। हाँ सही है, तो बिहेवियर सही है मेरा, बिहेवियर मेरा जो है वो सही है, लेकिन इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ एक्चुअली, इसको मैं एक्चुअली चेंज भी कर सकता हूँ। इसको मैं चेंज किस तरह से कर सकता हूँ, मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि ये जो स्टैटिक है ना मेरा, ये मेरा जो स्टैटिक है इसमें अभी तो मैंने सेंड फाइल की हुई है, इसमें एक अप्रोच और हो सकती है कि मैं इसको नेविगेट करवा दूँ, मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है रीडायरेक्ट स्लैश, मिसाल के तौर पर किसी ने स्लैश चैट मारा है अगर, तो मैं उसको उठा के अगर फेंकना चाह रहा हूँ इंडेक्स के ऊपर ना, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई अगर ये किसी से मैच नहीं हुआ ना तो रिडायरेक्ट मारो स्लैश के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली उसको उठा के कहाँ फेंक देगा, फ्रंट एंड पे। अब मैं स्लैश चैट पे हिट मारता हूँ तो मैं इंडेक्स पे गिरूंगा जाके,
तो ये दोनों तरह की अप्रोच की जा सकती है। मैं दोबारा अबाउट में गया, अबाउट में जाके मैं इधर हिट मारता हूँ तो मैं इंडेक्स पे गिरूंगा जाके, और होम पे खड़ा हुआ हूँ होम पे तो चलो होम पे ही हूँ मैं। ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी एप्लीकेशन में आप क्या करना चाहते हैं। समटाइम हमें ये रिक्वायर्ड होता है, समटाइम हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि जी हमें ऐसे ऐसे करना है, पूरी एप्लीकेशन को इस तरह से रखना है। समटाइम इस तरह होता है कि नहीं सिंगल पेज वाला बिहेवियर है वो करना है। समटाइम ये होता है कि हम किसी अगर यूआरएल पे खड़ा हो गया वो रिफ्रेश मारता है ना तो हम उसको 404 बोल देते हैं। ये भी सिचुएशन हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, कि हम चाहते हैं कि बंदा हमेशा होम पेज से ही शुरू करे कहानी, और होम पेज से शुरू करे बीच में रिफ्रेश ना करे। जैसे एग्जाम वगैरह की ऐप में कभी कभी ऐसा हमें करना पड़ता है कि जी वो होम पेज से ही वो एक दफ़ा रोल नंबर डाल के नेक्स्ट करता है तो ऊपर यूआरएल चेंज हो रहा होता है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर उसने पेज रिफ्रेश कर दिया ना तो वो 404 हो जाता है। फिर हम उसको बोलते हैं कि जी बैक टू होम का बटन दिखा देते हैं, हम इस तरह की कोई चीज़ दिखा देते हैं कि जी अब आप दोबारा होम पे जाओ, दोबारा से वहाँ से शुरू करो। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ये चीज़ वेरी कर सकती है। तो टोटल ये तीन अप्रोचेस थी जो मैंने आपको तीनों यहाँ पे मतलब फुल कंट्रोल मैंने आपको बता दिया कि यार कैसे हो सकता है, और वो एक्चुअली चल कैसे रहा है वो भी मैंने आपको एक बता दिया। लेकिन फिलहाल हम इसको रिडायरेक्ट नहीं करते, फिलहाल हम ये सेंड फाइल वाला तरीका करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को लेके ना इंटरनेट बड़ा कन्फ्यूज़ है। ये वाला जो पार्ट मैंने तीन लाइन का कोड लिखा है ना, इस चीज़ को लेकर इंटरनेट बड़ा कन्फ्यूज़ है। इंटरनेट पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, मतलब स्टैक ओवर फ्लो वगैरह पर ना लोग कन्फ्यूज़ हैं बहुत इसको लेके, कि मतलब आप अगर ये लिखेंगे ना कि हाउ टू होस्ट रिएक्ट एप्लीकेशन ऑन एक्सप्रेस सर्वर, तो आपको ज़्यादातर बंदे बोलेंगे कि यार इसको आप फायरबेस पे होस्ट कर लो, एक्सप्रेस पे होस्ट ही ना करो, ठीक है। रीज़न उसका यही है कि उन्होंने ये API को सही तरह बनाया हुआ नहीं होता, /API/V1 उन्होंने लगाया हुआ नहीं होता, और डायरेक्ट उन्होंने /login/logout किया हुआ होता है। अब /logout या /login हिट हो रहा है अगर यहाँ पे से, ठीक है, मैं इसको लॉगआउट मारता हूँ अगर, अब ये /login जो मेरा URL है, अब मैं /login जब हिट करता हूँ तो क्या हिट होगा, API हिट होगी या ये हिट होगा, तो वो मसला आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर लिया, शुरू में ही अपनी API को एक तरफ कर दिया है, उसका URL बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं, अदरवाइज हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट रहता, ठीक है। कर जब भी लेते हैं हम, कर जब भी इसलिए लेते हैं कि लॉगिन और लॉगिन की API हमेशा पोस्ट होती है, तो यहाँ से गेट की रिक्वेस्ट जा रही है तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर गेट की रिक्वेस्ट है ना, उसका मतलब है कि ये पेज लोड हुआ है, पेज रीलोड हुआ है, तो उसको हम ज़रा अलग तरह से ट्रीट कर लेते हैं। पोस्ट किया तो हम समझते हैं अच्छा API कॉल हुई है, उसको अलग तरह से ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन स्टिल डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा अगर इसको अलग अलग ना करो तो, इसलिए हमने शुरू में ही इसको अलग अलग कर लिया। अच्छा, तो यहाँ तक ये बात समझ आ गई हमें। अब यहाँ पे मेरे अगर सही चलने लग गया तो इसका मतलब है मेरे पास ये होस्टिंग जब मैं कर दूंगा इसकी तो भी ये ठीक चलेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको मैं जो प्रोडक्शन वाला जो रन कर रहा था उसको मैं वापस से हटा देता हूँ और मैं दोबारा से डेवलपमेंट वाले रन पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार CD वेब और NPM स्टार्ट, ठीक है, ये मैं डेवलपमेंट वाले में दोबारा आ गया हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट 3000 पे आ गया, ये जो मैं लोकल होस्ट 5001 पे चलाता था ये मैंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, एक चीज़ तो और रह गई थी, एक चीज़ तो और भी रह गई थी, वो ये रह गई थी कि जब आप इसको होस्ट मारोगे तो मैंने यहाँ पे जो बेस URL लगाया हुआ है इसका क्या होगा। ये मैंने जगह जगह बेस URL लगाया हुआ है अपने फ्रंट एंड के अंदर, ये बेस URL तो मैंने बोला था इसका कुछ हम बाद में करेंगे, तो अब वो टाइम आ गया इसका कुछ करने का। तो ये बेस URL असल में यहाँ पे नहीं होगा, और ये बेस URL इस तरह नहीं होगा, ये बेस URL इस तरह नहीं होगा। अच्छा क्यों, अभी तो मेरा सर्वर 5001 पे है ना, मैं अभी अपने सर्वर का पोर्ट चेंज करूँगा ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, है ना। आगे देखते हैं चेंज करके, ये मैं डेवलपमेंट वाला वापस बंद करके प्रोडक्शन पे आता हूँ मैं दोबारा, लोकल होस्ट 5001। अब देखो 5001 पे ना ये सही चल रहा है, क्योंकि यहाँ से ये रिक्वेस्ट है सारी 5001 पे मारता है, क्योंकि बेस URL वहाँ पे 5001 सेट है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ABC@ABC, लॉगिन मारा मैंने, ये सही लॉगिन हो गया, सही है, ये डेटा जो है सही आना शुरू हो गया। अब मैं अपने सर्वर पे जाके पोर्ट चेंज मार देता हूँ। अच्छा, मेरा सर्वर इस चीज़ से इम्यून होना चाहिए कि पोर्ट वोर्ट जो भी चेंज होती रहे मेरे उसको फ़र्क ना पड़े, वो जिस पोर्ट पे चल रहा है उसी पोर्ट पे रिक्वेस्ट आ रही हो, उसी पोर्ट से बातचीत हो रही हो। मैं इसको 5002 कर देता हूँ, लो मेरा सर्वर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा, चलो पहले तो उसको 5002 पे तो लेके जाएं ना, 5002 पे गया और ये क्या हो गया, ये ब्रेक होना शुरू हो गया। क्यों, कि अब ये जो प्रोफाइल की रिक्वेस्ट मारता है ये किस पे मारता है, ये 5001 पे मारता है, हालांकि इसको जो URL है उस पर मारना चाहिए ना,
अभी कल को गूगल पे जाएगा, वहाँ का यूआरएल होगा, उस पे भी नहीं चलेगा फिर ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना था, ये बेस यूआरएल वाले मसले को हल करना था। ठीक है, बेस यूआरएल वाले मसले के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक्चुअली अलग से एक फ़ाइल बनाऊँगा यहाँ पे, जिसको हम आमतौर पर कह रहे होते हैं कि जी core.js कह रहे होते हैं हम कभी समटाइम उसको, ठीक है, या हम उसको setup.js भी कह रहे होते हैं समटाइम। तो मैं एक core.js करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, core.js के अंदर आके मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ const base url, ठीक है, इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पे बेस यू आर एल लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे 5001 ही लिखता हूँ मैं भी, जो कि नहीं चलना चाहिए 1। तो मैं अल्टीमेटली मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया अपना जो भी था। अच्छा, यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट बेस यू आर एल इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ जहाँ मैं बेस यू आर एल का इस्तेमाल करता था, जैसे कि ऐप डॉट जे एस एक्स में मैं बेस यू आर एल का इस्तेमाल करता था, यहाँ पे अब मैं इस तरह बेस यू आर एल नहीं करूँगा, अब मैं इसको किस तरह करूँगा, अब मैं बोलूँगा कि इम्पोर्ट बेस यू आर एल फ्रॉम कोर, सही है, और ये इसको मैं हटा दूँगा यहाँ से। तो अब इससे सबसे पहला काम क्या हो गया, सबसे पहला काम ये हो गया कि मेरा बेस यू आर एल एक फ़ाइल में होगा और सब जगह मैं उसको इम्पोर्ट करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं होंगे मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पर भी मेरे पास बेस यू आर एल का इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि मेरे पास लॉगिन के पेज पर हो रहा था ऑब्वियसली, ठीक है, और मेरे पास लॉगिन के पेज के अलावा बहुत सारी जगहों पे हो रहा था, तो वहाँ वहाँ पे मैं ये वाली बात लिख दूँगा। इसको कैसे सर्च कर सकते हैं सारी जगहों पे, ठीक है, देखो यहाँ यहाँ पे ना ये लगा हुआ है, मैंने ये ग्लोबल सर्च मारा तो ये सारा आ गया, ठीक है, होम डॉट जे एस एक्स पे लगा हुआ है, तो ये तमाम जगहों पे जाके मैं इसको रिप्लेस मार देता हूँ, सही है, home.jsx पर दो दफ़ा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इसको रिप्लेस मार दिया, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, core.js तो मेरा अभी है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ था मैंने सब जगह से रिप्लेस मार दिया। अब मैं सर्च मारूँगा तो अभी भी आ रहा है, ये क्या सीन है यार, मैंने सबको बंद किया, ये कौन सी फाइल है मेरी, home.jsx है, home.jsx के अंदर ये लगा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको रिप्लेस मारा, सेव किया, ऐसे हट क्यों नहीं रहा ये, अच्छा हट गया, सही है, login.jsx के अंदर इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट मारा और सेव किया, अब यहाँ से हट जाना चाहिए इसको, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब मेरे सिर्फ core.js के अंदर ये लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट और बेस URL, बाकी तमाम की तमाम जगहों पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इम्पोर्ट करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या हो गया, ये कुछ जगहों पर वो डुप्लीकेट हो गया, एक्चुअली वो कुछ जगहों पे ना डुप्लीकेट हो गया, तो मैं ज़रा देख लेता हूँ कहाँ कहाँ वो home.jsx पे एक्चुअली वो डुप्लीकेट हुआ है। home.jsx पे दो दफ़ा शो हो रहा था ना somehow, ये क्या सीन है, सही तो है, ओके, मैंने गड़बड़ कर दी है, मैंने पता क्या गड़बड़ कर दी है, मेरे पास क्योंकि वो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक, वो मैंने सब में चेंज मार दिया, सही है, सब में चेंज नहीं मारना था मैंने, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा मैं इस वाले में और इस वाले में जाके मैं इन सबको क्या कर दूँगा, अंडू कर दूँगा, सही है, सिर्फ 9 वाले के अंदर मैंने रखना है, बाकी इसको अंडू कर दूँगा 8 वाले को मैं, इससे मेरा लेना देना नहीं है, ठीक है, ये जो मैं लॉगिन वाली कर रहा हूँ इसमें सिर्फ मैंने रखना है। तो पहला तो ये मैंने गड़बड़ किया, दूसरा अब एरर को ज़रा पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से कि उसमें एरर में वो बोल क्या आ रहा है, ठीक है, मैंने वो बेस वगैरह तो सही लगा दिया लेकिन ये बोल क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि कैन नॉट रिजॉल्व स्लैश कोर, अच्छा वो स्लैश कोर जो इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा वो इस वजह से नहीं कर पा रहा है कि जहाँ पर मैंने इम्पोर्ट किया ना तो वो कुछ फाइलें फाइलों के अंदर हैं, जैसे home.jsx, ठीक है, ये 5 को बंद कर देते हैं और ये 9 में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे पास जो app.jsx है ना, यहाँ तो चलो सही है, ये स्लैश कोर ये चल रहा है, लेकिन जो फाइल अंदर है
मिसाल के तौर पे login.jsx, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दो डॉट लगाना पड़ेगा एक्चुअली, है ना, और दो डॉट ऐसे लगाना पड़ेगा मुझे, अब जाके ये चलेगा। देखो बात ये है कि मेरा जो core.js है वो बिल्कुल रूट पे पड़ा हुआ है ना, तो अगर app.jsx के ऊपर मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि इसी फोल्डर में, रूट पे ही है वो। लेकिन अगर मैं app.jsx की जगह इसको मैं login.jsx में करता हूँ तो अब मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि इस फोल्डर में नहीं है, इससे दो फोल्डर पीछे है। तो ये मैंने दो फोल्डर पीछे इसको बता दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे ये इशू आ रहा है। home.jsx के अंदर ये इशू आ रहा है, home.jsx पे चलते हैं। इसमें भी मुझे बताना पड़ेगा कि भाई दो फोल्डर पीछे है ये, सेव किया होम से चला गया। साइनअप के अंदर ये इशू आ रहा है, signup.jsx में गया, मैंने यहाँ पे भी बोला कि भाई दो फोल्डर पीछे हो, सही है। तो ये सारी जगहों से ही मसला हल हो गया, ठीक है। तो मेरा अभी सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, मैंने मसला हल नहीं किया अभी तक, मैंने पहले तो वो जो इतने सारे बेस URL थे ना उन सबको एक किया है पहले। अब वो एक जगह पे कोई मसले का हल निकाल लेंगे, ये अभी भी फेल हो रहा है। इसको रिफ्रेश मारूंगा, ये अभी भी प्रोफाइल की रिक्वेस्ट कहाँ मारता है, 5001 पे मारता है, हालांकि मेरा अभी 5002 हो चुका है, मेरा पोर्ट चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, अब क्या करना है, मैं आता हूँ जी इस core.js के अंदर और मैं यहाँ पे आके क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार इसको ना हर दफ़ा आपने क्या रखना है, इस तरह से नहीं रखना। इसको आपने कैसे रखना है, इसको आपने रखना है यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ मैं, और टर्नरी ऑपरेटर लगा के मैं इसको सम हाउ यहाँ पे ये बोलता हूँ कि यार आप एक काम करो, आप देखो ब्राउज़र के एड्रेस बार के अंदर, ठीक है, आप ब्राउज़र के एड्रेस बार के अंदर देखो, अगर वहाँ पे, ठीक है, अगर वहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो फिर तो आप सर्वर पे ये 5001 लिखोगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं, खाली। समझ आई बात? देखो अगर मैं इसको क्या कर दूँ, बेस URL को खाली कर दूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूँ अगर, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूँ अगर मैं बेस URL को, तो अब जो ये रिक्वेस्ट लगती है गेट ऑल पोस्ट की है, यूज़ इफेक्ट पे जो रिक्वेस्ट लगती है, अब वो कहाँ पे लग रही होगी, गेट ऑल पोस्ट वाले को मैं खोलता हूँ, सही है, बेस URL /API है ना, तो बेस URL तो है ही कुछ नहीं, तो /API पे लग रहा है। तो /API का मतलब क्या होता है कि जो URL इस वक्त ब्राउजर की URL बार में है उसी पे आगे स्लैश लगाओ, तो सही है। तो अगर मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ यहाँ पे, तो प्रोडक्शन में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। मैं रिफ्रेश मारता हूँ, ये बिल्कुल सही चलने लग जाता है, सही है, रिफ्रेश मारता हूँ मैं, अब क्या ला रहा है ये, अबे अभी भी 5001 पे क्यों कर रहा है रिक्वेस्ट, पागल है क्या ये, कौन से पे हो रहा है ये, प्रोफाइल की, ये मुझे लग रहा है कोई बेस URL अभी भी रह गया है, ये app.jsx के ऊपर मैं ये काम करता था ना, app.jsx पे जाके देखता हूँ क्या हुआ है, ठीक है। बेस URL यहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है और यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं चेक करता था ना, यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, बेस URL /api/v1/profile, ठीक है, यहाँ पर यह गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे बोल दिया है तो मैं इसका कैशे क्लियर करके ज़रा ट्राई करता हूँ, कैशे क्लियर करके ट्राई किया मैंने, अब प्रोफाइल की रिक्वेस्ट अभी भी है, 5001 पे क्यों मार रहा है यार, पागल तो नहीं है ये, पे नहीं मारनी चाहिए थी इसको रिक्वेस्ट, core.js से एम्प्टी स्ट्रिंग है, सब कुछ ओके है, app.jsx के ऊपर यहाँ पे बेस URL एम्प्टी स्ट्रिंग मिलना चाहिए ऑब्वियसली, यार मेरे सर्वर में एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, वहाँ पे वाकई 5002 ही है ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल, हाँ ये देख लेता हूँ मैं कि पोर्ट के नाम से कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल तो नहीं बना हुआ, ठीक है। मैं बोलता हूँ एको और एट द रेट पोर्ट, नहीं वो, अच्छा मेरे ENV में मैंने बनाया हुआ है भाई, नहीं इसमें भी तो नहीं बनाया हुआ, मेरे पास वैसे पोर्ट के नाम से कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई, ठीक है।
एको डॉलर सीक्रेट करता हूँ तो भी कुछ नहीं आता, ये क्या सीन है यार। वेल यहाँ पे तो जिस पोर्ट पे ये चल रहा है एक्चुअली प्रिंट तो ये वही करता है ना, तो जब ये प्रिंट कर देता है जबकि भाई मैं 5002 पे चल रहा हूँ, तो 5002 पे चल रहा है यहाँ पे, ये शो भी 5002 पे कर रहा है। ओके ये पता प्रॉब्लम क्या हुई है, ये प्रॉब्लम ये हुई है कि मैं फ्रंट एंड के ऊपर चेंजेस तो कर रहा हूँ लेकिन जब तक मैं बिल्ड नहीं बनाऊँगा उसमें रिफ्लेक्ट थोड़ी होता है वो, इसलिए मेरे पास मसला आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन में इसलिए अभी भी वो नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूँगा मैं इसको रोक के ज़रा NPM रन बिल्ड भी दोबारा चलाऊँगा। ठीक है, अब वो सेट होगा क्योंकि मैंने तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग विस्ट्रिंग किया ना, जो कोर JS वेएस ये सारा जो मंजन किया है मैंने, ये तो बिल्ड में पहुँचा ही नहीं है क्योंकि बिल्ड तो चला ही नहीं है मैंने अभी दोबारा से। अब मैंने बिल्ड चला दिया तो अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, अब ये इस पे 5002 पे सही चल रहा होगा। रिफ्रेश किया मैंने, देखो 5002 पे सही चल रहा है ये। अच्छा लेकिन मसला ये है कि अब ये डेवलपमेंट में मस्ती करेगा, क्योंकि डेवलपमेंट में ये क्या करेगा, डेवलपमेंट में मेरे पास URL होता है localhost 3000, तो ये /3000 पर रिक्वेस्टें मारना शुरू कर देगा क्योंकि जो भी ब्राउज़र URL में होगा उस पर रिक्वेस्ट मारेगा, ये यही करेगा ना। तो मैं इसको ये बोलता हूँ कि भाई अगर आप देखोगे URL में, अगर आप URL में देखोगे कि लोकल होस्ट लिखा हुआ है तो आप लोकल होस्ट 5001 पर रिक्वेस्ट मारोगे, अदरवाइज जो भी URL बार में उस पर मारोगे आप। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, मेरा ये मसला क्या हो जाता है, हल हो जाता है। अच्छा ये मैं करूँगा कैसे, ये मैं करूँगा कैसे, मैं आ जाता हूँ core.js के अंदर, यहाँ पे आके ना मैं क्या करूँगा इसका, मैं वापस बल्कि वो डेवलपमेंट वाली चला लेता हूँ अभी, सही है डेवलपमेंट वाली वापस चला लेता हूँ मैं, और ये प्रोडक्शन वाले को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट वाला मैंने वापस से रन कर लिया। ठीक है, लोकल होस्ट 3000, अब देखो यहाँ पे ये मस्ती करेगा, अब ये क्या करेगा रिक्वेस्टें मारना शुरू कर देगा अभी ये। ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पे रिक्वेस्टें मारना शुरू कर दी इसने, अब वहाँ तो कोई सर्वर ही नहीं है, तो मुझे ये दो सिचुएशन को हैंडल करना है कि डेवलपमेंट में हो तो लोकल होस्ट 5001 पे मारे, अगर प्रोडक्शन में हो तो जो URL बार में उसके आगे स्लैश लगा के मारे। तो मैं यहाँ पे आके समहाउ बोलता हूँ कि यार मुझे ना क्या बता दो आप, यहाँ पे ना मुझे आप बताओ कि इस वक्त मेरे URL बार में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखता हूँ मैं ये, window.location.href को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ कॉन्सोल पे, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाता है इस वक्त, जो भी URL है ना मेरे पास ये प्रिंट हो जाता है। ठीक है, और मैं इसके अंदर अगर ये बोल दूँ कि भाई डॉट कॉन्टेन होता है क्या होता है, डॉट इंक्लूड्स, ठीक है डॉट इंक्लूड्स लोकल होस्ट, तो डॉट इंक्लूड लोकल होस्ट मुझे क्या बता देगा, ट्रू बता देगा। ठीक है, आगे देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं अगेन इसको। ठीक है, देखो ट्रू बता दिया इसने मुझे, core.js लाइन नंबर 3 से ट्रू आ गया क्योंकि लोकल होस्ट मेरे पास URL बार में मौजूद है। तो मैं बोलता हूँ कि यार अगर आपके पास URL बार में लोकल होस्ट मौजूद हो ना, ठीक है क्या हो, अगर आपके पास URL बार में लोकल होस्ट मौजूद है, मैंने कहा const is लोकल होस्ट इक्वल्स टू, है ना, इज़ लोकल होस्ट अगर ये इंक्लूड हो तो इज़ लोकल होस्ट ट्रू हो जाएगा, मैंने वेरिएबल के अंदर ये बना के रख लिया। अच्छा फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार बेस URL में क्या हो, ठीक है बेस URL में क्या हो, इज लोकल होस्ट अगर है तो http://localhost:5001, ठीक है अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग हो। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास लोकल होस्ट होगा ना URL बार में, तो तब आपने क्या करना है, इस URL पे हिट मारना है। लोकल होस्ट अगर URL बार में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये अभी इस वक्त लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है, डेवलपमेंट मोड में चल रहा है। अगर URL के अंदर लोकल होस्ट नहीं है किसी जगह पे भी, तो इसका मतलब क्या है कि वो गूगल के किसी URL पे चल रहा है, तो उसके आगे स्लैश लगा के रिक्वेस्ट मारनी है। तो मैंने इसको प्रोडक्शन पे और मैंने डेवलपमेंट पे दोनों के ऊपर इस काम को मैंने सेट कर लिया, एक बेस URL मैंने कंडीशनल बनाकर। ठीक है, अब आके देखते हैं, पहले तो उसको डेवलपमेंट में चलाते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये डेवलपमेंट है, इसमें इसको रिक्वेस्ट कहाँ मारनी चाहिए, 5001 पे मारनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं जी, नेटवर्क के अंदर जाता हूँ मैं,
और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो प्रोफाइल की रिक्वेस्ट है ये कहाँ मार रहा है, 5001 पे मार रहा है। ठीक है, अच्छा मेरा सर्वर 5002 पे एक्चुअली, तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डेवलपमेंट में मैं हाथ से चेंज कर सकता हूँ, डेवलपमेंट में हाथ से चेंज करना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, मैं जो भी होगा मेरा वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा लाके। अच्छा, इसको भी एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक कॉन्फ़िग की फाइल होगी, एक्चुअली ये वहाँ पर होगा, ये इधर भी नहीं होगा, वो वहाँ पर सारी कॉन्फ़िग की फाइल होगी जो हाथ से सेलेक्ट करने वाली, या मेरी .env की फाइल होगी वहाँ पे होगा कि जी डेवलपमेंट सर्वर पोर्ट, समझ लो ऐसे करके होगा डेवलपमेंट सर्वर पोर्ट करके। तो मैं यहाँ पे उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल से उठाऊंगा, तो बंदा जब जाएगा ना यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल पूरे लगाने के लिए, तो उसको पता होगा अच्छा यार डेवलपमेंट सर्वर पोर्ट ये ऐसे करके यहाँ पे है। ठीक है, तो वहाँ से बंदा उसको उठा लेगा। वेल, अभी इसको हम उतना नहीं करते, अभी इसको हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, 5002 कर दिया, तो मेरे पास ये लोकल पे क्या हो गया, ये बिल्कुल सही चलना शुरू हो गया, लोकल पे बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको लोकल वाले को कर देता हूँ बंद, और मैं एक दफ़ा चलाता हूँ बिल्ड, और मैं इसको प्रोडक्शन वाले पे अब चला कर देखता हूँ। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी कोड के साथ इसको प्रोडक्शन पे भी सही चलना चाहिए। ठीक है, मैंने डेवलपमेंट को रोका, मैंने कहा npm रन बिल्ड और एंटर किया मैंने, ताकि एक नई बिल्ड तैयार हो जाए, और ये नए बिल्ड तैयार होने के बाद ठीक है इसको मैं किल कर देता हूँ। मेरे पास एक ही टर्मिनल है जिस पर सर्वर चल रहा है, फ्रंट एंड मैंने बिल्ड बना के प्रोडक्शन में लेकर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी लोकल होस्ट जो भी मेरा सर्वर है, इस वक्त 5002 है मेरा सर्वर, एंटर मारूंगा मैं इसके ऊपर, ये बिल्कुल सही चलना चाहिए, बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ मारेगा, ये 5002 पे मारेगा, आओ नेटवर्क में आ जाओ। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये रिक्वेस्ट कहाँ मारता है, 5002 में मारता है। अब मैं अपने सर्वर का अगर मैं URL जाके ये चेंज कर दूँ ना, मेरे सर्वर को मैंने 5002 से 5005 पे कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इसी पे जाने लग जाएगा। मैंने कहा 5005 एंटर, ये 5005 पे, अब प्रोफाइल में जाऊंगा तो इसी पे, अरे 5002 क्यों आ रहा है अभी तक यहाँ पे, अबे 5002 क्यों आ रहा है, क्या बकवास है ये। अच्छा, URL में लोकल होस्ट है ना, URL में लोकल होस्ट शामिल है, इसलिए आ रहा है। तो एक्चुअली वो जब गूगल का URL होगा तो उसमें नहीं होगा लोकल होस्ट। या मैं एक काम और भी कर सकता था कि मैं लोकल होस्ट के साथ साथ मैं कुछ और भी ऐसी बात लिख देता, मैं ये लिख देता कि यार लोकल होस्ट 3000 अगर है, क्योंकि डेवलपमेंट का जो फ्रंट एंड है वो तो हमेशा 3000 पे चलता है, लेकिन कभी कभी वो हो सकता है किसी और पे भी चल जाए मे भी। ठीक है, वेल, तो मैंने लॉजिक ये लगाई भी है, मैं थोड़ी देर के लिए ना, हालांकि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अपने फ्रंट एंड की लॉजिक ना थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरा तो अभी प्रोडक्शन भी लोकल होस्ट है और वो भी लोकल होस्ट है। तो मैं कहता हूँ कि यार लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे अगर ये हो ना तो फिर उसको कर दो। ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं आई थिंक, तो छोड़ देते हैं इसको, करते नहीं हम। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, इसका जो लोकल होस्ट और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ना यहाँ तो चेक नहीं हो पा रहा, इसको गूगल पे डिप्लॉय मार के चेक करते हैं, गूगल पे डिप्लॉय मार के चेक करते हैं। क्योंकि अभी मैंने जो क्या बनाया हुआ है, मैंने जो ये वाला इस पर core.js जो तैयार किया है मैंने अपना, इसके अंदर मैंने बोला है कि भाई क्या हो, अगर URL में लोकल होस्ट हो तो आपने इस सर्वर पर रिक्वेस्टें मारनी है, अगर URL में लोकल होस्ट नहीं हो तो एम्प्टी कर देना बेस URL, तो जो भी URL होगा उसी के आगे स्लैश लग रहा होगा। तो अभी एक्चुअली ये इज लोकल होस्ट फॉल्स कर नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा, एक काम मैं और कर सकता हूँ, मेरा जो प्रोडक्शन का सर्वर है हमेशा HTTPS पे चलता है ना, मैं लोकल होस्ट को हटा देता हूँ, मैं HTTPS लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई HTTPS अगर हो ना इज प्रोडक्शन, मैंने कहा भाई इज प्रोडक्शन कब होगा, जब ये HTTPS होगा URL में, और मैं कहता हूँ कि भाई इस प्रोडक्शन पे लगाओ, इस प्रोडक्शन, ठीक है, इस प्रोडक्शन हो तो क्या करो, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखो। मैंने अपना थोड़ा सा मामला चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने कहा इस प्रोडक्शन अगर हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग रखो, अदरवाइज ये डेवलपमेंट पे 5002। अब मेरा जो है ना ये लोकल पे भी सही काम करेगा, ठीक है, अब क्योंकि मैंने ऐसी बेहतरीन चीज़ लगा दी है यार। नहीं, लेकिन फ्रंट लोकल प्रोडक्शन चलाऊंगा उस पर तो HTTPS नहीं होता है ना, नहीं मसला अभी भी वही है मेरा। वेल, चलो लॉजिक मेरी अभी भी ठीक है, मैं इसको गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करता हूँ, और गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि ये जो मेरी लॉजिक है आया कि ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, लॉजिक तो मेरी सही है, लेकिन ये जब मैं लोकली चलाऊंगा ना प्रोडक्शन, तो ये उस पर काम नहीं करेगी, उस पर मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा।
ठीक है, तो लोकल एक्चुअली मैं प्रोडक्शन नहीं चलाता, लोकल एक्चुअली मैं डेवलपमेंट ही ज़्यादातर चलाता हूँ। तो चलो जी, इसको हम क्या कर लेते हैं, डिप्लॉय कर लेते हैं। डिप्लॉय करने के लिए मैं इसको रोकता हूँ, और रोक के मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा एक्चुअली मुझे ना इसका npm रन बिल्ड चलाना होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर दी हैं, थोड़ी सी मैंने फ्रंट एंड के अंदर चेंजेस कर दी हैं ना, तो मुझे एक दफ़ा चलाना पड़ेगा इसको npm रन बिल्ड। अच्छा, गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करने की कमांड क्या आती जी, npm रन डिप्लॉय। ओए, npm रन डिप्लॉय नहीं लिखा हुआ मैंने। अच्छा, वो npm रन डिप्लॉय मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो चलो, गूगल क्लाउड की जो डिप्लॉय करने की कमांड थी वो मुझे वैसे ही लिखनी पड़ेगी, अलग से लिखनी पड़ेगी मुझे ना। तो app.yml में चलते हैं। मेरे जो सर्विस का नाम था वो SMIT डेमो था। तो आ जाओ, चलते हैं ज़रा गूगल क्लाउड पे, ज़रा एक नज़र मार लेते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं कि जी इस नाम से कोई ऐप अभी भी मौजूद है कि मैंने उसको उड़ा दिया। कॉन्सोल, अच्छा मैंने जो इसको डिप्लॉय किया था वो किया था रीडमी स्टोरी पे किया था एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ से मैं चला जाता हूँ ऐप इंजन के ऊपर। ठीक है, ऐप इंजन पे चला जाता हूँ। ओके, अच्छा इसको, इसका मेरे पास एक्सेस नहीं है, नॉट एनी मोर। किसी और प्रोजेक्ट पे ट्राई करते हैं। ओके, ये क्या हो गया, इसको बिलिंग का इशू क्यों हो गया यार। रिसोर्स मैनेजर डॉट प्रोजेक्ट डॉट क्रिएट बिलिंग असाइनमेंट प्रिंसिपल दिस। वेल, अभी अब आई एम नॉट श्योर कि मुझे कौन से वाले पे, एक मिनट इस पर ट्राई मारता हूँ। ये क्या चक्कर है यार, किसी भी प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ बिलिंग का इशू दे रहा है, हालांकि ये इनमें से कोई भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं गया हूँ वो मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स। क्या बिल बिल चढ़ा हुआ है, भरा नहीं बिल इसने, पता नहीं एक दो डॉलर का बिल बना हुआ है उस पर इन्होंने अकाउंट बंद किया हुआ है, क्या सीन है ये। ओके, सबके बंद हो गए हैं भाई अकाउंट। सही है। अच्छा, एक और भी मेरे जहन में बात आई है अभी, वो बात ये आई है कि मैंने इस प्रोडक्शन अभी सिर्फ लगाया हुआ है ना, मैं इस पर और भी तो लॉजिक्स लगा सकता हूँ, मैं इस पर और भी कंडीशंस लगा सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट URL भी चेक करा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर HTTPS वाली भी चीज़ लगा सकता हूँ, लोकल होस्ट वाली भी चीज़ लगा सकता हूँ, मैं 2-3-4 लॉजिक भी इसके ऊपर लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर 2-3 अलग अलग सिनेरियो के अंदर ये चलती है। ठीक है, तो वेल मैंने इसको ये बोल दिया कि जी अगर आपका जो है ना HTTPS अगर URL में हो तो ये प्रोडक्शन है, आप समझ जाना, और आपने जो स्लैश है उसी के ऊपर लगाना है। ठीक है, अब इसको आप सब लोग अपने अपने गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करके, आप लोगों ने सादा पे का कार्ड लगाया है वैसे, अपने अपने गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करके ना, फिर आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आया कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, तो मैंने इसको 5002 पे भी इस वक्त चला दिया, मैं अपना सर्वर भी क्या कर देता हूँ 5002 पे लेकर आ जाता हूँ।
यार मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास फ्रंट एंड के ऊपर भी प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों सही चल जाए। एक ही तरीका समझ आ रहा है मुझे कि मैं पूरा इसमें URL लिख दूँ http://localhost:3000। अगर ये पूरा होना इस तरह तो आप समझ लो कि लोकल है, बाकी प्रोडक्शन है। वेल लेकिन इतना शायद मुझे नहीं करना चाहिए, इस तरह से शायद मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको यही वाला रखता हूँ कि इस प्रोडक्शन को डिटेक्ट करता हूँ मैं HTTPS के ज़रिए। अच्छा जी, तो मैंने क्या कर लिया, ये प्रोडक्शन और ये डेवलपमेंट के मसले सुलझा लिए, प्रोडक्शन रेडी कर लिया मैंने अपनी ऐप को। अच्छा, अब मैंने अगला काम ये करना था कि मैंने अपने जो सर्वर की जो APIs हैं, जो सिक्योर APIs हैं मेरी, अभी तो वो सिक्योर API जस्ट एक नॉर्मल यूज़र जब लॉगिन हो जाता है तो वो सारी APIs को एक्सेस कर पा रहा होता है, लेकिन अब मैंने इसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन करनी थी कि अगर मेरा जो लॉगिन हुआ हुआ बंदा है, अगर तो वो एक नॉर्मल यूज़र है तो उसको एक सर्टन APIs का एक्सेस हासिल हो, तमाम APIs का एक्सेस हासिल ना हो जाए। अच्छा, फिर अगर वो एडमिन है तो उसको एक और सर्टेन ग्रुप ऑफ APIs हैं, उनका भी एक्सेस उसको हासिल हो जाए। ठीक है, तो मैं अब ये काम अगला मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ख्याल है, ये आज ही कर लिया जाए या हम इसको नेक्स्ट क्लास में करें? अच्छा चलो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो प्रोडक्शन रेडी करना मैंने बता दिया है, इसका मतलब क्या है कि इतनी ऐप जो हम यहाँ पर बना चुके हैं इस वक्त, ठीक है, इतनी ऐप आप सब लोगों ने क्या करनी है, बना के अगर ले आए तो अच्छी बात होगी। ठीक है, 5002 पे इस वक्त मेरी ऐप चल रही है और 5002 के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ तो ये लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, लॉग इन साइन अप की API बनी हुई है, ऑथ गार्ड बना हुआ है। वंस मैं लॉग इन कर लेता हूँ, जब लॉग इन करने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन आ जाता है, मेरे पास ये पोस्ट करने का ऑप्शन आ जाता है और मेरे पास ये सर्च का ऑप्शन आ जाता है, मेरे पास चैट और अबाउट का पेज है। अब ये चैट वाला काम हमने अभी इंशाल्लाह करना है, अभी जो अगली क्लासेस आएंगी ना उसमें ये चैट के ऊपर अब हमने मज़ीद काम करना है, क्योंकि ये लॉगिन साइन अप आइना हमने निकाल लिया है, ये एडमिन APIs सिक्योर करते हैं और एडमिन API सिक्योर करने के बाद हम ज़रा चैट के ऊपर मूव कर जाएंगे, फिर हम सॉकेट IO वगैरह ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, आप सब लोगों का साथ चाहिए होगा, ताकि इतना पहले आप बनाएंगे तो आगे समझ आएगी बात। क्योंकि अभी तक लिटरली हमने जितना कुछ कर लिया है ना, अगर कोई ऐसा बंदा है ना जिसने ये करड़ ऑपरेशन नहीं किया अगर, तो उससे हो गई नहीं अभी, उसको क्या करना पड़ेगा अगर किसी ने करड़ ऑपरेशन नहीं किया, बहुत सारे लोग आप में से हैं जिन्होंने करड़ ऑपरेशन भी नहीं किया अभी तक, मुझे चेक नहीं कराया, तो उसको क्या करना होगा कि वो करड़ ऑपरेशन के बाद से वो एक एक करके वीडियोज़ को देखेगा और वो एक एक करके बनाएगा। अगर वो सोचेगा ना कि मैं सारी देख लूँ और फिर एक साथ बैठ के बना लूँ, तो भाई ये नहीं होगा। ठीक है, तो करड़ ऑपरेशन वाला बहुत सारे आप लोगों ने नहीं किया हुआ है असाइनमेंट, तो आप लोग क्या करेंगे, वो असाइनमेंट करेंगे और वो असाइनमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये लॉगिन साइन अप वगैरह ये सारी चीज़ें ऑथ गार्ड ये सब कुछ करने के बाद जब आप नेक्स्ट वीक आएंगे यहाँ पर, तो ये वाला असाइनमेंट ना इस तरह का आप मुझे यहाँ पर दिखाएंगे। अच्छा, अब आप असाइनमेंट किस तरह से दिखाएंगे मुझे ये भी सुन लें, क्योंकि ये असाइनमेंट इतना लंबा चौड़ा है कि यहाँ पर अगर एक एक बंदे का मैं चेक करूँगा ना तो ये बड़ा मुश्किल होगा। तो आप सब लोगों ने क्या करना है कि जब आप इस क्लास में आएँ तो आपने एक छोटी सी वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी है अपने असाइनमेंट की, जो भी आपने बनाया है उसकी आपने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है स्क्रीन की। अच्छा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी 20 सेकंड से ज़्यादा की ना हो। ठीक है, अगर 20 सेकंड से ज़्यादा की है तो उसकी स्पीड बढ़ा दें, अहद जो है ना स्पीड बढ़ा देता है थोड़ी। कैसे करते हो यार तुम, स्पीड कैसे बढ़ाते हो उसकी, एडिट करके बढ़ाते हो क्या, कौन से सॉफ्टवेयर से एडिट करते हो, इन शॉर्ट से कर लेते हो, डेस्कटॉप पे है या मोबाइल पे? अच्छा, तो वो रिकॉर्डिंग करके मोबाइल पे डालते होंगे मोस्ट प्रोबेबली आप, और उसके बाद स्पीड बढ़ा देते होंगे। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, ज़रा वो वीडियो और शॉर्ट हो जाती है। तो आप क्या करेंगे कि आप शॉर्ट सी एक वीडियो बनाएंगे कि जी ये मेरी ऐप है, इसके ऊपर साइन अप का पेज है, एक अकाउंट नया साइन अप करेंगे, एक अकाउंट उसकी उसके बाद उसी अकाउंट को लॉगिन करेंगे, उसके बाद फ्रंट एंड पे आएंगे, एक पोस्ट मारेंगे, उसको डिलीट मारेंगे पोस्ट को। ठीक है, इस तरह करके सारी चीज़ें जो जो आपने उसमें किया हुआ है सर्च मार के दिखाएंगे, फिर उसके बाद चारों पेजेस है अलग अलग उस पर जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद लॉगआउट मारेंगे, वो लॉगआउट हो जाएगा। तो पूरी ऐप तक गो थ्रू करवाएंगे आप उस वीडियो के अंदर, और उसको आप linkedin.com के ऊपर पोस्ट कर देंगे। linkedin.com के ऊपर जब आप पोस्ट कर देंगे तो यहाँ पे जब आप आएंगे ना अगली क्लास में, तो आपने मुझे उसका URL भेजना है, ताकि मैं क्या करूँगा, मैं क्लिक मारूंगा, मैं वीडियो देखूंगा 10 सेकंड की और असाइनमेंट आपका चेक हो गया। ठीक है, फिर जब वो असाइनमेंट पब्लिक होगा
तो मेरे अलावा और भी लोग होंगे जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहे होंगे और वो कमेंट्स कर रहे होंगे, तो आपको भी ज़रा फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। एक बंदे का फीडबैक इनफ नहीं होता समटाइम, ठीक है। सिर्फ मेरा फीडबैक मैं बोलूँ अच्छा हाँ ठीक है यार असाइनमेंट कम्प्लीट है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर आपके स्पेलिंग्स भी देखेंगे, आपके बटन्स भी देखेंगे, वो कहेंगे यार ये इस तरह नहीं होता, वो उस तरह नहीं होता, तो आपको अच्छा खासा फीडबैक वहाँ से मिल रहा होगा। कोशिश कीजिएगा कि फंक्शनैलिटी तो मैंने पूरी करवा दी है एक्चुअली, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि बजाय इसको छापने के अपने हाथ से कोड लिखें। दूसरा, कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी अप्लाई कर लें। फ्लैक्स बॉक्स आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्टाइलिंग आप सब लोगों को आती है, तो कोशिश कीजिएगा इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लें, क्योंकि जब लिंक्डइन के ऊपर आप अगर इस तरह का पोस्ट किया ना आपने जैसा मैंने ये बनाया हुआ है, तो आपको कोई भी रीच नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, ज़ीरो रीच मिलेगी आपको, क्योंकि इस तरह की चीज़ देखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो वीडियो पहली झलक में लगेगा कि ये कोई HTML सीख रहा है कोई बच्चा, तो HTML सीखती हुई की कोई वेबसाइट है। तो आपने क्या करना है, जो करड़ ऑपरेशन आपने बनाया था, आपने ज़्यादातर लोगों ने उसमें CSS लगाई हुई थी, तो आपने इसके अंदर भी क्या करना है, लॉगिन का जो पेज है वो एक थोड़ा प्रोफेशनल किस्म का लॉगिन का पेज दिखना चाहिए। हम पूरी CSS हमने पढ़ी है इतनी लंबी चौड़ी, तो किसी जो काम आया ना वो, तो आपके हर असाइनमेंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सही है। सब लोगों को ये बात समझ आ गई, सब लोगों से बन जाएगा ये। चलें जी, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।